हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर में शॉर्ट ट्रिक में क्या पढ़ेंगे, कैसे हम अपने पेन ड्राइव पे अपनी इमेज को लगा सकते हैं, मतलब अपनी इमेज को कैसे लगाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ये माय कंप्यूटर ओपन करके रखा है, ये मैंने यूएसबी यहाँ पे लगाया है। यूएसबी में अभी यहाँ पे कोई आइकन नहीं शो कर रहा है, मतलब वो पेन ड्राइव का आइकन शो कर रहा है, मतलब ड्राइव का आइकन शो कर रहा है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि अपनी इमेज लगा लें, क्या कर लें, अपनी इमेज लगा लें। तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एम एस पेंट को ओपन कर लेंगे। क्या ओपन कर लेंगे, एम एस पेंट को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे और उसमें हम लोग कोई भी कलर कर देंगे। या आपको कुछ और बनाना है या आपको कोई अपनी इमेज लगाना है, तो आप उसको, उस इमेज को कॉपी करके एम एस पेंट पे पेस्ट कर लेंगे, तब भी वो आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। तो हम ना इमेज ना लगा के हमने एक एक स्क्वायर ले लिया जिस पे हमने टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट में हमने क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर लिया और टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं कंप्यूटर बाबा। टेक्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, कंप्यूटर बाबा। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहेगा वहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई भी इमेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बाबा लिख लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप स्क्वायर में इसको क्रॉप कर लेंगे। इतना मैंने कर लिया, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इस फाइल को सेव कर लेंगे। इस फाइल को सेव कहाँ करेंगे, हम लोग अपनी पेन ड्राइव में ही सेव करेंगे। ये पेन ड्राइव हो गई यूएसबी, इसका जो नाम रखेंगे वो रखेंगे वन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट मैं एक सिंपल लेके चल रहा हूँ वन। और यहाँ पे जो इसका सेव एज टाइप है, तो उसमें कितना रखेंगे, 24 बिट हम लोग बिट मैप इसका साइज रखेंगे और इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। इतना समझ में आ गया, और इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू में हम लोग नोट पैड को ओपन कर लेंगे। स्टेप टू में क्या है, हम लोग नोट पैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसका फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं कि आपको जो कमांड लिखे वो कम से कम कमांड आपको दिख सके। अब यहाँ पे जो कमांड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, इसका फॉन्ट अभी बदल देते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट में हमने लिखा ऑटो रन। क्या लिखा बेटा, ऑटो रन, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटर किया, उसके बाद मैंने लिखा आइकन डॉट वन। वन इसलिए लिख रहे हैं, जो भी आपकी इमेज का नाम आपने रखा है, चाहे वो अपना नाम रखा हो चाहे कुछ भी रखा हो, वो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे। वहाँ पे मैंने इमेज का नाम वन रखा था, इसीलिए मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ। फिर डॉट आइकन के बाद इक्वल टू लगाएंगे वन डॉट बी एम पी, क्योंकि जो फाइल एक्सटेंशन नेम था वो हमारा क्या था, बी एम पी। क्या था दोस्तों, बी एम पी, जिसका फुल फॉर्म है बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर या बिट मैप पिक्सल। इतना समझ आ गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे। इसको भी सेव एज क्या करेंगे, हम लोग यूएसबी ड्राइव में, मतलब अपनी पेन ड्राइव में ही सेव करेंगे। इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑल फाइल्स होगा। यहाँ पे हमने ऑल फाइल्स लिख दिया, और इसको जो सेव करेंगे वो किस नाम से करेंगे, ऑटो रन डॉट आई एन एफ, इतना सेव करेंगे। और जो इनकोडिंग है उसको यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ए एन एस आई। इतना करने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब हम 10 दिस पीसी में जा रहे हैं, तो अभी हमको यहाँ पे आइकन में वही पेन ड्राइव का लोगो शो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पेन ड्राइव को निकाल लेंगे। जैसे मैंने पेन ड्राइव को बाहर कर लिया, उसके बाद फिर मैं पेन ड्राइव को लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि वो पेन ड्राइव का क्या होगा, आइकन चेंज हो गया। देखा दोस्तों, आइकन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। कहीं ये वीडियो आपको
पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कंप्यूटर बाबा पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर माय एक्सपेरिमेंट।